Audio Jungle. मंत्री व एमपी के लोकसभा चुनाव प्रभारी स्वतंत्र देव सिंह उमरिया के पाली नगर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर में बिराजी माता बिरासिनी के दरबार में पहुंचकर पूजा अर्चना की व कहा कि शहडोल संसदीय क्षेत्र का उम्मीदवार कमल का फूल है, जिसके साथ सभी हैं। इसी दौरान उन्होंने कहा कि हम आतंकवाद के खिलाफ है, जिसका जल्द जवाब दिया जाएगा। गौरतलब है कि इस दौरान भाजपा नेताओं के द्वारा मंत्री का स्वागत भी किया गया। बीर सिंहपुर पाली से तपस गुप्ता की रिपोर्ट। आज शहडोल लोकसभा की ये जो संभाग है अपना, उसकी मीटिंग थी। मीटिंग के बाद हमें मैया के दर्शन करने का मुझे सौभाग्य मिला और माँ के चरणों में बस एक ही आशीर्वाद कि गरीबों का कल्याण करने के लिए, इस राष्ट्र को विश्व गुरु बनाने के लिए आदरणीय नरेंद्र मोदी को शक्ति दें, शक्ति प्रदान करें और पुनः वो देश के प्रधानमंत्री बने। ये शहडोल संसदीय क्षेत्र से आगामी चुनाव में प्रत्याशी कौन होगा? प्रत्याशी कमल का फूल होगा, भाई नरेंद्र मोदी होंगे। कुछ प्रत्याशी के नाम को लेकर के अभी कोई विचार? ऐसा कोई चीज़ नहीं, हम चुनाव सब कार्यकर्ता मिलकर लड़ेंगे और कार्यकर्ता ही चुनाव लड़ेंगे और कार्यकर्ताओं के बदौलत जनता की आशीर्वाद लेकर हम सब आगे बढ़ेंगे। अभी जो हमला हुआ है, अभी जो हमला हुआ है, उसका सरकार क्या कर रही है, क्या कदम उठाएगी? देखिए, माननीय मोदी जी पर विश्वास रखिए, देश का सर्वाधिक लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं और आप विश्वास रखें, वो विजनरी प्रधानमंत्री हैं, 125 करोड़ वासियों के लिए और उनके मन की बात, उनके जो दिल में है वह करके दिखाएंगे। देश में इसके पहले भी सर्जिकल लास्ट स्ट्राइक पहली बार हुआ और आगे भी इसका बदला हम लोग लेंगे। इसलिए आप हम सबका सुनिश्चित मत है, इसलिए आप चिंता करने की बात नहीं, वो हो कर रहेगा।